हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज मैं जाने वाला हूँ नकोदर मुराद शाह, और अभी टाइम बजने वाले 6 बजने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। और दोस्तों, अभी 1 और 2 तारीख को वहाँ पे मेला भी होने वाला है, जो साल में उसका मेला होता है वहाँ पे मुराद शाह दरबार में, और साल में आई थिंक 2 बार आता है। तो अभी सितंबर में आने वाला है, तो पहले जुलाई, मई या जुलाई में आता है। काफ़ी ज़्यादा रश होता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिंगर वगैरह आते हैं, जो सूफियाना सिंगर होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सिंगर वहाँ पे आते हैं दरबार में और अपनी हाज़िरी लगाते हैं। और उस दिनों में काफ़ी ज़्यादा रौनक वहाँ पे देखने को मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे मत्था टेकने आते हैं, और काफ़ी रश भी होता है। तो हमने सोचा भी आज मेले से पहले वहाँ पे मत्था टेके, और रश भी थोड़ा कम होता है और आराम से वहाँ पे मत्था भी टेक लेंगे। और काफ़ी देर से हम प्रोग्राम बना लेते हैं, तो फाइनली आज ये प्रोग्राम बन गया है। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। और दोस्तों, वैसे भी त्यौहार का मौसम शुरू होने वाला है, और आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा त्यौहार आने वाले हैं। और यहाँ पे जलंधर में यहाँ पे कुछ ही दिनों में आई थिंक 9 तारीख के करीब 9, 10, 11 को सोडल मेला भी आने वाला है, तो उसका व्लॉग भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पे प्लीज़ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम नकोदर में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे डेकोरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी की है आपको मैं बता नहीं सकता। अभी थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके मत्था टेकेंगे, लेकिन अंदर यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। जितनी भी मैं शूट कर सकूँगा उतनी करूँगा, और क्योंकि यहाँ पे वीडियो शूट करना सख्त मना है, और जितनी भी मैं कर सकूँगा उतनी आपको दिखा दूँगा। लेकिन यहाँ पर डेकोरेशन और दरबार को बहुत ही अच्छा सजाया, और कल और परसों यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होगा कि आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। और काफ़ी ज़्यादा सिंगर यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर भजन गाते हैं, सूफियाना सिंगर आते हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे क्राउड कल और परसों बहुत ही ज़्यादा होगा। अभी तो कम है, इसलिए हम यहाँ पे आराम से मत्था टेक लेंगे, लेकिन कल और परसों बहुत ही ज़्यादा रश होगा। तो अब थोड़ी देर में अंदर जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर अंदर जाके आपको जितना भी मैं दिखा सकूँगा उतना दिखाऊँगा, फिर आपको मिलती है थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पे जूते चप्पल रखने की पूरी व्यवस्था की होगी, यहाँ पे जूता घर जोड़ा घर बना हुआ है, आप अपने जूते वगैरह रख सकते हो। तो हम जल्दी से अपने जूते वगैरह उतार के यहाँ पे रख देते हैं, और जूते उतार के यहाँ पे टोकन नंबर आपको मिल जाता है, उसको दिखा के आप वापस ले सकते हो। तो जल्दी से रख के फिर आपको दिखाता हूँ कैसी डेकोरेशन यहाँ पर की है। और दोस्तों, ये हमें यहाँ पे टोकन नंबर मिल गया है।
अच्छी लग रही है वो देख फाउंटेन कितना अच्छा है। यहाँ पे डक्स भी है, वहाँ पे मैंने एक दिन डक देखी थी। कितने अच्छे कलरफुल फाउंटेन है वो। और मैं आपको कुछ Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the highways and the thousands, and we'll grow in number.